नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको दिखा रहे हैं जनता की आवाज, जनता के साथ सीधी बातचीत। जानते हैं लोगों को आज कितना विश्वास, कितनी आस्था है सेंट्रल प्रोग्रामिंग राम प्रेम सिंह जिनसा के साथ। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? उषा। उषा जी, आप कितने समय से डेरा सोचा सोदा संस्था में? 34 साल हो गए। काफी लंबा समय हो गया मैम आपको आते हुए। आपका पूरा परिवार आता है? हाँ जी, हाँ जी। कितना विश्वास, कितनी आस्था है मैम? बहुत ज्यादा विश्वास, ना तो अपने आप पे भी नहीं जितना गुरु पे है। मैम इतना विश्वास क्यों? आपकी जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया जो आज भी आप विश्वास करते हो? सारी जिंदगी इनकी दी हुई है, सब कुछ घर में इनका दिया हुआ है, परिवार में जो सुख शांति है सब कुछ है वो इनका दिया हुआ है। कभी ऐसा लगा जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था? नहीं, सब कुछ गलत है, कुछ नहीं लगा ऐसा। जो आरोप लगाए जा रहे हैं संत वो सब बेबुनियाद है, झूठे हैं सब। फिर सच क्या है? संत जी ने समाज के लिए, लोगों के लिए क्या काम किया? बहुत कुछ किया, इतना गिना ही नहीं सकते। अब देख ही रहे हैं अभी कितने मानवता भलाई के काम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, पहले भी किए हैं। 4 सालों से संत जी समाज में नहीं है, उनके ना रहने से क्या प्रभाव पड़ रहा है मैम समाज के ऊपर? समाज में प्रभाव तो पड़ा है, जो छोटी बच्चे हैं उन पे पड़ा है, जो नशियां से निकले से वो फिर ना बढ़ जाएं, ऐसे डर लगता है। पर वैसे पिताजी की कृपा बहुत है, वहाँ भी बैठे हैं तो पूरी कृपा है। क्या अपील करना चाहोगे मैम सरकार से? बस यही करते हैं, अभी गुरु जी जल्दी से जल्दी आ जाएं, भी उनकी बहुत जरूरत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की अपील मांगे के सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जिनसा समाज में वापस आए। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज द फैक्ट टेक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।